नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 News। TV20 News पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ के 343 विधानसभा अतरौलिया से असंख्य समाज पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी पंकज कुमार यादव ने जिलाधिकारी व मुख्य निर्वाचन आयुक्त नई दिल्ली को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि अनियमितता एवं विधि विरुद्ध तरीके से एवं षड्यंत्र के तहत मुझे नामांकन से वंचित किया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा बिना किसी ठोस आधार के विधानसभा चुनाव 2022 से वंचित किया गया। प्रत्याशी निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश का पालन करते हुए नामांकन दाखिल किया था, लेकिन रिटर्निंग अधिकारी ने निर्वाचन दायित्व का निर्वहन नहीं किया और प्रत्याशी को चुनाव चिन्ह नहीं आवंटित किया। प्रत्याशी पंकज यादव ने आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव में बड़े बड़े नेताओं ने प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाकर कई प्रत्याशी का पर्चा खारिज करा दिया गया है। आइए सुनाते हैं कि प्रत्याशी पंकज यादव ने क्या कुछ कहा। मैं पंकज कुमार यादव 343 अतरौलिया विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में असंघ समाज पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ। क्या समस्या थी आप इस तरह का चुनाव आपका खारिज किया गया, क्या सर ये जो है राजनीतिक दबाव में बड़े बड़े नेताओं ने उनके ऊपर दबाव डाला है, प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर, जिसके कारण जो है वो दबाव में आकर जो है हम लोगों का पर्चा निरस्त कर रहे हैं। जितने 10 प्रत्याशियों को पात्र पाया गया है, क्या उन प्रत्याशियों में से हम लोग अपात्र माने गए? उन प्रत्याशियों के ऊपर जो है कुछ लोगों के ऊपर आपराधिक मुकदमे, लेकिन मेरे पर कोई भी आपराधिक मुकदमा ना तो जिला में है, कहीं पे भी जो है भारत देश के अंदर कहीं पर भी नहीं है। इसके बावजूद भी हम लोगों को जो है चुनाव लड़ने से 2022 विधानसभा चुनाव से वंचित किया गया। ये हमें जो है पूरा प्रशासनिक अधिकारियों की सोची समझी साजिश के तहत लग रहा है, क्योंकि उन्होंने जो है जिस दिन मैं 17 तारीख को लास्ट डेट थी, 10 से 3 टाइमिंग था, हम फॉर्म भरवा के लेके आए तो हमें जो है गेट के सामने जो है 1:30 बजे से लेकर 2 बजे तक रुका गया, ठीक है। फिर इसके बाद जो है सर हमें जो है फिर एंट्री दी गई, हमने SDM बोडमपुर नवीन प्रसाद को जो है अपनी फाइल सौंपा। फाइल सौंपने के बाद उन्होंने कहा आप बैठ जाइए, फिर इसके बाद हमने जो है फिर फाइल सौंपा, तब इसके बाद उन्होंने लिया, उसी में समय जो है 3 बज गया और कोई ठोस जानकारी ना देते, ठोस आधार ना बताकर जो है हमारे जो है पत्र जो था, नामांकन फॉर्म था, वैध था, उसको जो है क्या नाम है उन्होंने जो है निरस्त, लिखित रूप से निरस्त नहीं किया है, लेकिन 10 लोगों की नोटिस बाहर लगा दिया, सभी लोगों को चुनाव चिन्ह दे दिया, जो ये नियमतः जो है असंवैधानिक और विधि विरुद्ध है। जब आप फार्म जमा करने गए थे तो क्या कोई कमियां उसमें पाई गई थी? नहीं, उसमें कोई कमियां नहीं पाई गई, फार्म हमारा वैध है, वो खुद ही कह रहे हैं कि वैध है, लेकिन उन लोगों ने जो है हमारे फार्म में कोई कमी ना होने के बावजूद भी उन्होंने जो है हमें जो है एक प्रत्याशी के रूप में जो है भारत देश के नागरिक रूप में जो हमारा अधिकार है निर्वाचन चुनाव लड़ने का, उस अधिकार से वंचित रखा। मैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा जी से कहूँगा कि इस मामले को स्वतः संज्ञान लेकर जो है दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए मुझे 2022 विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने का अवसर प्रदान करें। यह भारत देश और अतरौलिया विधानसभा के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। आपने कहीं पर इसके लिए प्रार्थना पत्र भी दिया है? हाँ, हमने जो है इसके लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त को दिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दिया है, और मैंने जो है क्या नाम जिलाधिकारी को बाई पोस्ट भी दिया है, तो सारी चीज़ें उनके पास पहुंच गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी लखनऊ उत्तर प्रदेश को भी मैं एक दिन के अंदर में जो है कल तक जो है मेरा कागज़ पहुँच जाएगा। प्रशासन ने कोई भी ठोस कारण बताया है? नहीं, कोई ठोस कारण जानकारी हो कैंसिल हुआ? ठोस कारण नहीं बताया है, इनको राजनीतिक दबाव इतना डाला गया बड़े बड़े नेताओं के माध्यम से कि जो निर्दल हैं, जो छोटी छोटी पार्टियों से लड़ रहे हैं, उनका पर्चा निरस्त किया जाए, और जो है क्या नाम है जो पहले से जो है प्रशासन और राजनेताओं की मिली भगत जो चल रही है, उसी का नतीजा है कि आज जो है एक योग्य व्यक्ति को जो है निर्वाचन 2022 चुनाव लड़ने से जो है वंचित रखा जा रहा है। ज्ञात हुआ है कि कई निर्दलीय लोगों का चुनाव यहाँ से खारिज हुआ है, उसके बारे में भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत जैसे देश में, लोकतांत्रिक देश में जो है सभी नागरिकों का अधिकार है कि वो चुनाव लड़ें। संविधान में भी हमारे लिखा गया है कि आप जो है चुनाव लड़ सकते हैं अगर भारत देश के नागरिक हैं, चाहे आप राष्ट्रपति हों या प्रधानमंत्री हों, सबकी अर्हता निर्धारित की गई। अगर आप अर्हता पूरी करते हैं तो आप प्रधानमंत्री पद के लिए, राष्ट्रपति पद के लिए, मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार हो सकते हैं, लेकिन आपके पास अर्हता होनी चाहिए और आप जो है लोकसभा सदन या विधानसभा सदन में जीत कर पहुँचेंगे तो आपको उस आधार पर जो है आपका पर्चा वैध नहीं माना जाता है तो आप इसके आगे क्या करेंगे? सर, इसके लिए मैं जो है आगे जो है हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ूंगा और हर तरीके से जो है मैं प्रशासन के विरुद्ध जो है
आंदोलन करूंगा जिससे जो है क्या नाम है हमें न्याय की प्राप्त हो। मैं अपने शीर्ष अधिकारी से यह कहूंगा कि हमारे मामले को संज्ञान लेकर तुरंत जो है उस पर पुनर्विचार करके हमें अवसर